हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फोस्टर अकेडमी एनसीईआरटी। जैसे कि आपको पता है बेटा, आज हम बात कर रहे हैं क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर टू के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है पूर्ण संख्या। ठीक है, अब पूर्ण संख्याओं में आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 2.1 का, ठीक है, और हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? देख बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास छठी के चैप्टर नंबर दो के बारे में, जिसका नाम है पूर्ण संख्या, ठीक है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर तीन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, ठीक है, सबसे छोटी। वैसे मैंने जो इसका इंट्रोडक्शन जो परिचय दिया था उस वाली वीडियो में सब कुछ बताया हुआ डिटेल में, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को जाकर देखिए, आपको ये पूरा चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है। देखो फिर भी मैं बता देता हूं यहां पर, देखो बेटा यहां पूरा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, इससे पहले आप देखो, देखो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो हमें पता है क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक, वो कहां से होती है प्राकृतिक संख्या, स्टार्ट कहां से होती है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब जो प्राकृतिक संख्या ये है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, ए, क्योंकि एक से शुरू होती है ना, एक से शुरू होती है। लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो कहां से शुरू होती है, जीरो से, भाई जीरो भी तो आता है, 0 1 2 3 4, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई बेटा, जीरो, क्या हो गई, जीरो, सॉरी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई बेटा, जीरो, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वो क्या हो गई, एक, भाई एक से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या है जीरो से स्टार्ट होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है, शून्य, ठीक है, शून्य है, क्या है, जीरो, शून्य है, ठीक है। अब देखो, अगर ये तो हो गया आपका उत्तर बेटा, खत्म है यहां पर सेकंड में, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे आगे जाके कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताओ, पूर्ण संख्या, तो बेटा ये अनिश्चित है, क्या है, अनिश्चित, ठीक है, निश्चित, मतलब क्यों है अनिश्चित का मतलब, मतलब आप, आपसे पूछा जाए कि आखिरी संख्या बताओ, ठीक है, जहां जिसके बाद संख्या कोई होती नहीं है, ऐसा है कुछ नहीं है, ठीक है, एंड कभी कुछ नहीं है, तो इसलिए अनिश्चित होती है, ठीक है, इसलिए लिखा जाता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनिश्चित है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भी अनिश्चित है। तो इस वीडियो में मैंने क्या क्या देखा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनिश्चित और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनिश्चित, ठीक है। चलो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स को शेयर कीजिएगा, ठीक है।